हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एंड ये जो सीरीज है वीडियो लेक्चर की, इसमें आज हम किसी राइटर या किसी प्ले की स्टोरी को डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही किसी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो प्राचीन काल की जो बहुत फेमस बुक्स हैं या जो प्लेज हैं या जो वर्क हुआ है, तो वो किसने लिखा है और कौन उसके राइटर हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि, या जैसे कि आप देखते होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, या अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कई बार कुछ प्लेस के नाम होते हैं या कोई उपन्यास होता है या कहानी होती है या कविता होती है, तो उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन है। तो कुछ ऐसे बहुत फेमस प्राचीन काल के इंडियन एंड संस्कृत स्पेशली जो नाटक पहले लिखे जा चुके हैं या जो उपन्यास ग्रंथ जो लिखे जा चुके हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो हमको याद रहता है और हम उसको जल्दी से जवाब दे देते हैं कि भरत मुनि जी ने उसको लिखा हुआ है। ऐसे कई बहुत सारे प्राचीन काल की बुक्स हैं, नाटक हैं, कहानियां हैं जिनके राइटर्स बहुत फेमस हैं, बट कई बार जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसको मिस कर जाते हैं। तो एक मैं एक छोटा सा रिकॉल कराने के लिए आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा नाटक या कौन सी बुक जो है वो किस किसने लिखा है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, महाभाष्य ये लिखा है पतंजलि, बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है, सौंदरानंद वो भी अश्वघोष ने लिखा है, स्वप्न वासव दत्ता भास ने लिखा है। भास संस्कृत के सबसे पहले नाटककार माने गए हैं और कालिदास ने खुद भास की सराहना की है उनके कई नाटकों में। कुमार संभवम वो भी कालिदास ने लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है, संस्कृत में लिखा था और ये कालिदास का बहुत प्रचलित नाटक है जो कि 7 खंडों में लिखा गया है और उसको फिर मॉडिफाई करके और इंटरप्रिटेट करके कई लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस प्ले ऑफ कालिदास। मेघदूत वो भी कालिदास ने लिखा है, रघुवंशम कालिदास जी ने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम वो भी कालिदास ने लिखा है, नाट्यशास्त्र मैं बता ही चुका हूँ कि भरत मुनि जी ने लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त ने लिखा है, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, ये भी संस्कृत के ही नाटककार हैं, विशाख दत्त भी संस्कृत के नाटककार हैं, भरत मुनि कालिदास ये सभी जो हैं ये संस्कृत रचनाओं के मुख्य या प्रमुख नाटककार या ग्रंथकार या जिन्होंने लिटरेचर पर काम किया वो लोग हैं। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है, हर्षचरित वाण भट्ट ने लिखा है, कादंबरी एक बहुत बहुत बड़ा उपन्यास है, बहुत ही सुंदर उपन्यास है, उसको वाण भट्ट जी ने ही लिखा है, वासव दत्ता सुबंधु ने लिखा है, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा है, रत्नावली ये भी हर्षवर्धन ने लिखा है, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन जी ने लिखा है, मालती माधव भवभूति ने लिखा है, ये भी संस्कृत के ही नाटककार गुजरे हैं, पृथ्वीराज विजय जयानक जी ने लिखा है और गीता गोविंद ये जयदेव ने लिखा है। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं, ऐसे नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं जिनके राइटर इंडिया या हमारे भारतीय संस्कृति को ही बिलोंग करते थे। संस्कृत मुख्य जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं आप सभी उनसे परिचित होंगे, ये सभी वो नाम हैं जिनके
काम को देखकर धीरे धीरे बाद में जो 5th सेंचुरी में जो इंडियन ड्रामा पे जो काम शुरू हुआ था, वो इनके कई नाटकों को लेकर लोग प्रेरित हुए, इनका जो लिखा हुआ उससे प्रेरित होकर लोगों ने लिखना शुरू किया, और इनको फॉलो करते हुए कई लोगों ने इनका ही जो काम है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। कई लोग ऐसे थे जो कुछ ऐसे प्लेज हैं जिनको लाइक भास के जो 13 प्ले हैं, एक पुरानी वीडियो लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भास जो है संस्कृत के पहले नाटककार थे, और उन्होंने तकरीबन 13 नाटक लिखे थे जो कि भास के रहते हुए पब्लिक में नहीं आ पाए थे। भास के गुजर जाने के बाद 13th सेंचुरी में उनके बारे में डिस्कशन हुआ था कि ये भास के लिखे हुए हैं, लेकिन कई मत ऐसे थे कि वो भास के नहीं हैं, उनको क्रेडिट भास को दिया जा रहा है, लेकिन 10 में से 9 लोगों ने माना कि हाँ वो भास के लिखे हुए ही नाटक हैं जो कि संस्कृत में थे। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसे नाटक हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से लेखन किया जाता था संस्कृत में। संस्कृत कई बार सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, या कई लोगों का उसमें एक्सपर्टी नहीं होता है, तो वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हमको ज़रूर मिलता है, हम वहाँ से पढ़ें, और एक हमारा जो रिच कल्चर है या रिच लिटरेचर है हमारे भारतीय नाटककारों का या साहित्यकारों का, उनके बारे में हमको ज़रूर अध्ययन करना चाहिए और उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। तो ये बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि कई बार नेट का जब आप एग्ज़ाम देंगे, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम देते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं आर्ट से जुड़ा हुआ, तो उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये जो साहित्य है ये किन्होंने लिखा है, या इसके लेखक कौन है, या इसके रचनाकार कौन है, तो हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।